इस वक्त दोस्तों सुबह के 9 बज गए हैं, रामेश्वरम में है। हम जा रहे हैं यहाँ से दूसरी जगह के ऊपर, कार्तिकेय स्वामी मंदिर में, तिरुचंदूर एक जगह है वहाँ पर। और सुबह सुबह हमारी गाड़ी का पंचर हो गया है टायर, और अब यहाँ से जाने वाला अलग लोकेशन है। कल जिन परिस्थितियों में हम रुके थे, अगर उसका मैं वीडियो डाल दूँ तो बवाल मच जाए। मुझे पता है कि मेरे वीडियो जो मेरे साथ में यात्रा करने वाले लोग हैं उनके परिजन लोग देख रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता किसी तरह का कोई उपद्रव हो। हाँ, लास्ट में आपको मेरे अनुभव जरूर शेयर करूंगा। लोग यहाँ पे एक जगह पे रुके हैं, और यहाँ पर देखा मैंने कि जो हमारे तरफ यानी ग्रामीण क्षेत्र में परिवेश में जो भाषा कहते हैं बम्बी, जहाँ पे सांप वगैरह रहते हैं, कोई भी कीड़े मकड़े रहते हैं, उसकी देखो यहाँ पे पूजा की जाती है। हो सकता है कि नाग देवता का मंदिर हो। ये देखो इधर बहुत अच्छा लोकेशन पर रुकी है इस बार गाड़ी, एक मंदिर इधर की तरफ है। इधर देखो पानी भरा हुआ है। ये देखो साउथ इंडिया में यहाँ पर है एक नारियल का बगीचा, और यहाँ पे देखो कितने यहाँ पे नारियल के पेड़ है, और नारियल भी लगे हुए हैं सभी में अभी इस वक्त बढ़िया तरीके से, और काफ़ी दूर तक ये फैला हुआ है, बहुत सुंदर लगते हैं। उत्तर भारत में अगर हम लगाए तो हो सकता है नारियल आए भी और नहीं भी आए। ये देखो इस पेड़ के भी नारियल आ रहे हैं वहाँ पे, और उधर की तरफ भी नारियल आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा तो साउथ की फिल्मों में ही देखने को मिला होगा, यह है ताड़ी का वृक्ष, और इस पे देखो यहाँ इसके कुछ बीज भी लगे हुए हैं जो मोटे हैं नारियल के जैसे ही हैं। इनसे नशा हो जाता है और बिल्कुल ठंड का एहसास देता है। यहाँ पर इधर की तरफ है नारियल वाले पौधे, नारियल का शेप अलग होता है और इसका शेप बिल्कुल गोल होता है। हाँ, इसके पत्ते भी चौड़े हैं और इसके पत्ते जो है लंबे होते हैं। ये नरेंद्र कसेरा जी है जो इंदौर से मध्य प्रदेश से घर से निकले हैं यात्रा के लिए, 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करेंगे, और इनमें से कई यात्राएं कर चुके हैं क्योंकि अप्रैल मार्च के महीनों में निकल चुके थे, 13 मार्च को निकले थे। और देखो इनकी साइकिल के ऊपर यहाँ पे तुलसा जी है, बिलपत्र है, और पूजा पाठ का सब सामान ये यहीं साथ लेकर के चलते हैं, पूरा शिवलिंग यहाँ पे लेकर के चलते, खाने पीने का सामान सब यहाँ पे ये साथ में लेकर के चलते हैं। चारों तरफ आपको ताड़ी के ही ताड़ी के पौधे नजर आएंगे। ताड़ी का गुड़ इसको टेस्ट करना, ऐसे लगेगा जैसे काली मिर्च मिला रखी हो उसमें। देखो ताड़ी का गुड़, ताड़ी है ना ये पेड़ है ना ताड़ी के, उसका गुड़ है ये। देखो अलग अलग तरह का ये है ना, ताड़ी के सामने पेड़ दिख रहे हैं ना, और ये लोग ये गुड़ निकालने का काम करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वालिटी फुटे गोड़ जे काय कौन पी रहा हो, 1 रुपए भी खर्च कौन करे, वो फ्री में टेस्ट करवा रहे जो गुड़ खा कर आ रहे, जो ताड़ी का गुड़ बन रहा है वहाँ पे, यानी बनाते हैं बेचते हैं तो टेस्ट करने के हैं, खरीदेगा कोई नहीं पर। यह है ताड़ी के पौधे, यहाँ बहुत सारे हैं। यहाँ बढ़िया है चाय बनाने की स्कीम। ये नीचे एक बहुत सारा बड़ा सारा एक बर्तन होता है, उसमें पानी भरा हुआ होता है, उसके बीच में यहाँ पर एक भगुनी रखी हुई होती है, इसमें दूध भरा हुआ होता है। पहले जो पानी है वो गर्म हो जाता है बढ़िया से, उसके बाद में फिर ये दूध वो गर्म हो जाता है। अगर पानी को निकालना होता है टूटी से निकाल लेते हो, और चीनी फिर बाद में डाल देते हैं, और देखो दूध भी गर्म हो गया वैसे निकाल करके मिला करके, और फिर देखो ये बन गई चाय, और टेस्ट भी अलग है अपने उत्तर भारत से।
साउथ इंडिया में आओ और यहाँ पे नारियल और केलों के बगीचे में अगर आप नहीं आओ तो फिर क्या ही आपने घूमा। तो ये देखो यहाँ पे पूरे नारियल के बगीचे हैं, केलों के बगीचे आपको दिखेंगे यहाँ पर। तो इस वक्त आ चुका हूँ मैं ये केले के बगीचे में, और केले भी देखो अपनी तरफ भी सेम ऐसा ही रहता है कि एक जड़ से दो तीन जड़ फूट जाती है इनकी, और एक बार में एक केले के पेड़ के एक बार में फल आते हैं। जैसे इसके थोड़े थोड़े आ रहे हैं, इसके भी आ रहे हैं इधर की तरफ यहाँ पे, और कच्चों को ही तोड़ना पड़ता है, फिर बाद में ऐसे पक जाते हैं, बाद में इससे कुछ तरीके होते हैं इनके अलग अलग तरीकों से। इधर भी देखो ये केले, अभी जो केले के पौधे होते हैं इसके एक बार ही फल आता है, तो एक बार आने के बाद में ये अनयूज होता है। तो जैसे ये डंडल है, इनके तना है, इसकी कुछ लोग पत्तल बना लेते हैं, अलग अलग इस्तेमाल में ले लेते हैं। तो एक बार तो जैसे ये आ गए फल, इसके बाद में इसको काट देंगे या फिर इसको जला देंगे या फिर नया पौधा लगा देंगे। अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग तरह की चीज़ें होती है किस तरह से पैदावार करते हैं। अब देखो यहाँ पर इसके नए पौधे यहाँ पर आ रखे हैं, उग गए पौधे। अब ये जो पेड़ है इसके अभी फल आएगा, इसकी साइज़ तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसके छोटे छोटे साइड में से जड़ें भी इसकी फूट करके आ जाती है। इधर भी देखो यहाँ पर भी जड़ें फूटी हुई है। अब देखो इस पेड़ को तो काटा हुआ है, और ये जो तने हैं ना इनकी पत्तल बना लेते हैं लोग, इस्तेमाल में ले लेते हैं इनका, मोस्टली सजावट के लिए भी काम में लेते हैं ये। और ये गन्ने की खेती भी, इधर देखो गन्ने की जो साइज़ होती है यहाँ पर छोटी साइज़ होती है, अपनी तरफ तो बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं गन्ने, लेकिन यहाँ पर साइज़ छोटी है इनकी। अगर इसको थोड़ा तोड़ करके दिखाऊँ तो देखो ये बहुत ज़्यादा टाइट है ना, टूटेगा नहीं, रस रस भरा हुआ इसमें, तोड़ते हैं चलो। अब देखता हूँ, देखा मीठा निकलता है या कैसा निकलता है। अरे कड़वा, बहुत ज़्यादा कड़वा है यार, जैसे कोई नीम की निमोली होती है ना, ये वो नीम के पत्ते खा लिए हो मैंने, वो चिपचिपा हो चुका है पूरा मुंह। इसमें देखो यहाँ बीज भी है, बहुत अच्छी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है यहाँ पे। इस बगीचे से निकल करके जाने का मन नहीं कर रहा मेरा तो। ये जो नारियल आ रहे हैं इनको तोड़े कैसे, कंफ्यूजन उसी में हूँ, छड़ू कैसे इनके ऊपर, आसपास में कोई पेड़ भी नहीं, अदरवाइज में छड़ जाता इस पे। तिरुवनंतपुरम के यहाँ पे कार्तिक स्वामी मंदिर के आप बीच पे आ चुके हैं, और बहुत जबरदस्त तरीके का यहाँ पे समुद्र है, ये कितने बड़े बड़े यहाँ पे पत्थर है, और ये बना हुआ राम सेतु यहाँ पर। ये देखो ये पूरा किस तरह का पत्थर है, इस पे कांजी आ रखी है पूरे पत्थरों पे देखो, और ये आ गया समुंदर, ये तो भिगो देगा। और देख लहरे देखो आप, उधर तक लहरे बहुत जबरदस्त है भाई। दिन होता ना तो जो नजारा आता ना, जो व्यू आता ना, अनएक्सपेक्टेड था। उजाला होता तो बहुत अच्छा व्यू आता। अब यहाँ से चलते हैं स्वामी कार्तिकेय मंदिर के, वहाँ मंदिर में जबरदस्त तरीके की भीड़ है। अब देखते हैं कितनी देर में हमारा नंबर आता है। मेरी जो साथी थे वो तो इधर उधर हो गए, बस मैं अकेला ही हूँ। सुना तो था मैंने कि एक साउथ में एक ऐसा मंदिर भी आता है जहाँ पर आपको बिना कपड़ों के निवस्त्र होकर के आपको दर्शन करने होते हैं। मुझे क्या पता था यही वो मंदिर है। आपको कार्तिकेय स्वामी जो मंदिर है इसमें आपको निवस्त्र होकर के कपड़े नहीं पहनने होते, आपके जो कपड़े उसको खोल करके फिर दर्शन करने होते हैं। मंदिर की हाइट दीवार की कोई 40 फीट से भी ज्यादा ऊंची दीवार है इसकी। ये मंदिर इतना बड़ा है कि हमारे जो साथी है सब इधर उधर बिछड़ गए, और यहाँ पर भीड़ भाड़ जबरदस्त तरीके की थी। अब मैं ढूंढने जा रहा हूँ जो बिछड़ गए उन लोगों को। ये पूरे झूम के रखते हैं केलों के ऐसे, ताकि लॉन्ग टाइम तक ये ठीक रह सके।